जय हिंद। आप सभी को चौथी ग्लोबल क्लासेस में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम जनरल मैथमेटिक्स कवर करेंगे। जनरल मैथमेटिक्स में हम परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क और भी जो चैप्टर हैं वो सभी चैप्टर को हम कवर करेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं परसेंटेज। ये परसेंटेज चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, इसलिए क्योंकि हम इसे हर जगह यूज़ करते हैं। प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, और भी चैप्टर में हम परसेंटेज का यूज़ करते हैं। तो परसेंटेज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम परसेंटेज किसे कहेंगे? तो कोई भी आपका वैल्यू है, 100 पे किसी चीज़ का मान को हम परसेंटेज कहते हैं। 100 पे किसी चीज़ का मान को हम परसेंटेज कहते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं कि परसेंटेज को हम फ्रिक्शन में कन्वर्ट करने के लिए देखेंगे कि कैसे हम परसेंटेज को फ्रिक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फ्रिक्शन को हम कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। परसेंटेज के लिए प्रतिशत भी कहते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से। देखिए, हमारे पास मानते हैं कि ये 9% है, ठीक। 9% को हमको फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 9% को फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना रहता है। तो जब भी हमको परसेंटेज रिमूव करेंगे तो 100 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ये परसेंटेज साइन जब भी रिमूव करेंगे तो 100 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर में 100 हम लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9/100। ये आपका हो गया, इस परसेंटेज को फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो गया। ये जो वैल्यू हो गया आपका फ्रिक्शन वैल्यू हो गया। इसी तरह यदि हम मानते हैं कि आपको 3% को कवर फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना, तो क्या लिखेंगे? 3/100। 4% को हमको कवर करना होगा, तो 4% को यदि हमको फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो लिखेंगे हम 4/100। इस तरह से कट भी कर सकते हैं, छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 250। इसे और भी छोटा कर सकते हैं हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/25। तो 4% को हम फ्रिक्शन में कन्वर्ट किए तो 1/25 मिला। इसी तरह से हम 5% को कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 5/100 मीन दैट 1/20। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जब भी हम परसेंटेज रिमूव कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? 100 से डिवाइड कर रहे हैं। डिनोमिनेटर में हम 100 लिख रहे हैं। कोई और भी संख्या लेते हैं, मानते हैं कि 11 × 1/9 लेते हैं, ये हमारा परसेंटेज है। अब इसे हमको फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो हम क्या बताएं कि परसेंटेज जब भी रहेगा, इसे रिमूव करना हो तो हम 100 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसे हम ब्रेक करते हैं। तो हम इसे क्या करते हैं? ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इसे हम ऐड करते हैं। जब इसे ब्रेक करना रहता है तो ये दोनों मल्टीप्लाई होता है और ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये 1 ऐड हो जाता है। 11 × 99 + 1 100 हो जाएगा, तो 100/9। ये परसेंटेज साइन हमारा, ये भी परसेंटेज भी लग लेते हैं। अब इसे कन्वर्ट करते हैं फ्रिक्शन में। तो यहाँ पर फ्रिक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? इस परसेंटेज साइन को रिमूव करेंगे। अब परसेंटेज साइन जब रिमूव होता है तो हमारा डिनोमिनेटर में क्या आता है? 100 आता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 100/9 × 100। अब यह 100 से 100 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1/9। तो हमारा 11 × 1/9% को यदि हम फ्रिक्शन में कन्वर्ट किए तो क्या हो गया? 1/9। फ्रिक्शन को हिंदी में भिन्न बोलते हैं, ठीक। तो प्रतिशत को जब भी भिन्न में कन्वर्ट करना होगा, बदलना होगा, तो आप क्या कीजिएगा? 100 से भाग दे दीजिएगा, ठीक। जब भी आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना होगा तो क्या कीजिएगा? 100 से भाग दीजिएगा। यहाँ पर इस तरह से देखिए, यहाँ पर फर्स्ट हो गया, सेकेंड, सभी में परसेंटेज को हम हटाए हैं तो हम 100 से क्या किए? डिवाइड किए हैं। एक और भी क्वेश्चन लेते हैं, मानते हैं 6 × ये हमारा क्या परसेंटेज है। अब इसको हमको फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर हम सबसे पहले तो इसे हम ब्रेक करेंगे, तो 36 × 18 = 19 / 3 ये हमारा परसेंटेज है। अब इसको फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो क्या लिख सकते हैं? 90/3 × 100। ये कितना हो जाएगा? 90/300। ये आपका हो गया फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो मेनली हमारा मेन मोटो ये बताना है कि कभी भी आप फ्रिक्शन को, ये हमारा परसेंटेज को फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। इस तरह से आप परसेंटेज को फ्रिक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सीख गए। अब हम देखते हैं कि कोई भी हमारा फ्रिक्शन आएगा तो उसे परसेंटेज में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। और भी एग्जाम्पल लें, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 16 × इसे हम ये परसेंटेज है, इसे फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? 16 × 48 = 50 / 3
परसेंट, परसेंट को अब हटाएंगे तो हटाने के बाद क्या होगा, वो डिवाइड हो जाएगा 100 से, तो 50 डिवाइड बाई 3 इंटू 100, इससे इससे आप कट कीजिएगा तो क्या हो गया 1/6। या तो कोई दिक्कत, यदि हमारा डेसिमल में रहेगा तब कैसे कन्वर्ट करेंगे, मान लेते हैं कि 0.01% है, इसे हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इसे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले डेसिमल को रिमूव कर देंगे, इसे रिमूव करेंगे तो 1/100 आ जाएगा, ठीक। डेसिमल को रिमूव किए तो जितना हमारा डेसिमल के बाद पॉइंट आता है उतना हमारा जीरो आ जाता है, ठीक। तो 1, 1, 2 जीरो आ गया। अब इसके बाद परसेंटेज को रिमूव करेंगे, तो परसेंटेज को रिमूव करेंगे मीन्स दैट हमारा क्या होगा 100 से और डिवाइड हो जाएगा, तो 1/100 × 100, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से हमारा ये डेसिमल जो डेसिमल परसेंटेज था ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या किए 100 से हम डिवाइड किए। अब हम देखते हैं कि कोई भी हमारा फ्रिक्शन वैल्यू रहेगा उसे परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जब भी फ्रिक्शन वैल्यू रहेगा और परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो 100 से क्या करेंगे, वहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, वहां पर हम 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्योंकि यहां पर जब हम इसका देखें, इसका हम जब परसेंटेज था हम फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर रहे थे तो 100 से डिवाइड कर रहे थे, वही जब फ्रिक्शन रहेगा और इसको हम रिवर्स वे में लेना चाहते हैं, हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वहां हमको डिवाइड की जगह क्या करना होगा, गुणा करना होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं अब हम कन्वर्ट टू फ्रैक्शन टू परसेंटेज। हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए अभी देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई वैल्यू है 1/6, ठीक। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या बोले हम, कि जब भी आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/6 × 100, ये कट जाएगा तो आपका कितना आ गया 50/3%। तो 1/6 को परसेंट में कन्वर्ट किए तो हमारा क्या हो गया 50/3%। इसे और भी तोड़ना चाहें तो 16/48 / 2/3, तो 16/48 हमारा हो गया 48/2 50 50/3, जिसे हम क्या किए पूर्णांक में भी ब्रेक कर दिए। तो इस तरह से हम कोई भी हमारा फ्रैक्शन है इसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। हम यहाँ पर 1/6 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट किए तो हम यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। उसी तरह से हमारा कोई भी वैल्यू मान लेते हैं, कोई भी वैल्यू है जैसे हमारा फॉर एग्जाम्पल 1/5, इसको हमको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से इससे ब्रेक कर दिए कितना आ जाएगा 90%। 1/7 है, 1/7 को आपको क्या करना है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इसे क्या करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 100/7। इसे और भी हम ब्रेक करना चाहते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, 7 × 7 = 28 × 2 = 14.2/7। तो यहाँ पर एक चीज हम देखने को गौर किए कि जब फ्रैक्शन था तो हम परसेंटेज साइन में लगा रहे थे, लेकिन जब ये फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कन्वर्ट किए तो हमारा परसेंटेज साइन देना जरूरी है, क्योंकि ये हमको बताता है क्या 1/100 का वैल्यू, ठीक। तो जब भी आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिएगा तो परसेंटेज साइन जरूर दीजिएगा, ये चीज याद रखिएगा। इसी तरह हम मान लेते हैं कि 1/8 है, 1/8 को हमको क्या करना होगा, करना चाहते हैं परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसे क्या कीजिएगा 100 से आप इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसे ब्रेक कीजिएगा, हमारा क्या हो जाएगा और कटेगा नहीं, 7 × 8 4 से कटेगा 25, ठीक है 12 × 24 इतना इतना परसेंट आपका 1/8 का वैल्यू आ गया। इसी तरह से हम 1/9 को भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। 1/9 को कन्वर्ट करना चाहते हैं परसेंटेज में तो 100 से क्या करेंगे, हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद हमारा ये हो गया क्या 100/9%। इसे और ब्रेक करना चाहते हैं 11/99
ये परसेंट में वैल्यू हो गया। तो यहाँ पे इजी वे में हम देखें कि कोई भी हमारा फ्रिक्शन रहेगा उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो उसे हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और कोई भी हमारा परसेंटेज वैल्यू है उसे फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना है तो उसे क्या करेंगे हम 100 से डिवाइड करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये और भी एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, बट आप क्या कीजिएगा कि प्रैक्टिस कीजिए जितना ज़्यादा मैथ, एक्चुअली क्या होता है ना कि मैथ में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको परफेक्शन मिलेगा। हम यदि कितना भी बोर्ड पे बता दें वो ज़्यादा आपको हेल्पफुल नहीं होगा, हम जो भी बता रहे हैं एक चीज़ उसके उसी तरह का आप 10 टाइप का प्रैक्टिस कीजिए, तो उससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा, साथ में स्पीड भी बढ़ेगा और आपका करेंट हमारा एक्यूरेसी भी ज़्यादा होगा। इसलिए मैथ सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस का चीज़ है, इसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं कीजिए। कोई भी बुक मिलता है हर बुक से क्वेश्चन उठाइए और उसे बनाइए। हम परसेंटेज में मैक्सिमम टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे बोर्ड पर, जितने टाइप के होते हैं मैक्सिमम टाइप का हम यहाँ पर सॉल्व कराएंगे, बट हम एक एक टाइप ही बताएंगे, एक क्वेश्चन का एक टाइप का एक ही क्वेश्चन बताएंगे, हाँ उससे हम दो तीन क्वेश्चन नहीं बताएंगे। उसको आपको करना होगा कि आप बुक से उठाइए एक टाइप का, जिस टाइप का हम बताएं उस टाइप का 10 क्वेश्चन उसी पर सॉल्व कीजिए, तो आपका वो आपका कॉन्सेप्ट याद भी हो जाएगा और साथ ही साथ टाइम भी मैनेजमेंट होगा। तो चलिए हम इसके आगे हम कुछ और भी क्वेश्चन से समझते हैं परसेंटेज को। देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न है हमारे पास, पहला 0.05 का कितना परसेंट में हम इसे होगा, तो यह हमारा क्या, यह हमारा फिक्शन है, अब इसको कन्वर्ट में करवा, इसको हम कन्वर्ट किसमें करना परसेंटेज में, तो जब भी ये डेसिमल रहेगा तो इसको हम फिक्शन में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं, यह हमारा क्या 0.05, इसे हम फिक्शन में कन्वर्ट करेंगे तब इसे तोड़ देंगे ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5/100। जब भी डेसिमल को तोड़ते हैं तो हमारा जो भी इस देखिए डेसिमल है, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है वो 1-2 डिजिट है, तो 2 0 हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक, अब इसे क्या करना है फिक्शन में कन्वर्ट हो जाइए, अब इसे हमको किस में कन्वर्ट करना परसेंटेज में, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या बोले कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से इसमें क्या किए मल्टीप्लाई किए, तो 100 से 100 खत्म, आपका कितना बचा 5, ये हमारा 0.05% डेसिमल है परसेंट में कन्वर्ट किए हमारा कितना आया 5%। उसी तरह से ये हमारा है 0.007, इसको हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे डेसिमल को ब्रेक करेंगे, डेसिमल को ब्रेक किए 0.007 इसे हम ब्रेक करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1, 1, 2, 3, तो 3 डिजिट यहाँ पर आ गया। इसके बाद हमको इसको कन्वर्ट करना है किसमें परसेंटेज में, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 0 से ये 0 खत्म, अब बच्चा हमारा कितना 7/10, तो 7/10% ये हुआ, या फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं 0.7%। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं इसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक चीज गौर की है कि जब भी दो डेसिमल है, दो डेसिमल के बाद हमारा क्या पॉइंट है, तो जो वैल्यू है वही हमारा परसेंटेज में मिल जाएगा वैल्यू, जैसे यहाँ पे 0.05 था तो इसको हम परसेंट में कन्वर्ट किए तो 5% हुआ, उसी तरह से यदि हमारा यहाँ पर 0.03 है तो इसको हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना मिलेगा 3%, हमारा यदि 0.04 है इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना मिलेगा 4%। ठीक, उसी तरह से हम आज लेते हैं कि 0.0111 है, ठीक, या फिर 11 ही रखते हैं, 0.011 है, अब इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, हमारा देखिए एक पॉइंट के बाद 0 है और इसके बाद कितना 2 डिजिट है तो हमारा 11% मिलेगा। इसे हम कन्वर्ट भी करके देखते हैं, देखिए 0.011 है, इसको हम करेंगे तो 11/ क्या कितना हो जाएगा 3 डिजिट हो जाएगा, आई इंटू 100, यहाँ से हम 2 डिजिट खत्म, कितना बचेगा 1.1, मीन्स दैट हमारा 2 पॉइंट के बाद जो भी रहेगा 2 पॉइंट में वही सेम वैल्यू मिलेगा, हमारे 3 डिजिट है तो हम उसको क्या किए पॉइंट उसका एक लेकर आए। उसी तरह से यहाँ पर भी था हमारा 3 डिजिट था तो 3 डिजिट में क्या था 0.007, इसे परसेंट में कन्वर्ट करिए तो कितना है हमारा 0.7%। तो परसेंट को हम एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा परसेंट मतलब क्या कि 1/100, ठीक, एक्स परसेंट मतलब एक्स हम यहाँ पर करेंगे तो एक्स बाई 100 कर सकते हैं, ठीक, इसका मतलब क्या 0.0x, यदि परसेंट को फ्रिक्शन में कन्वर्ट किए तो 0.0x, हम 2 डिजिट के बाद इसे क्या करेंगे पॉइंट हम बैठा सकते हैं। इस तरह से हम क्या किए डेसिमल को किसमें कन्वर्ट किए डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिए।
अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बोल रहा है कि x का 40% इक्वल टू हमारा 160 है, तो हमारा x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर क्या है x का, तो का मींस दैट हमारा क्या होता है गुणा का साइन होता है, क्या का रहे चाहे ऑफ रहे तो उसका मतलब होता है गुणा मल्टीप्लाई, तो x इंटू यहाँ 40% है तो 40% को हम कन्वर्ट करेंगे, तो परसेंट को कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, तो परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए तो 100 में डिवाइड कर दिए, इक्वल कितना है हमारा 160, ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इस साइड देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई फॉर्म है ये डिवाइड फॉर्म है, तो इसको हम इक्वल के उस साइड जब लेते हैं तो जो मल्टीप्लाई फॉर्म में रहता है वो डिवाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जो डिवाइड फॉर्म में रहता है उस साइड जाकर मल्टीप्लाई में हो जाता है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू 160, ये हमारा क्या है डिवाइड फॉर्म में, तो उस साइड जाएगा किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई फॉर्म में, और ये हमारा डिवाइड फॉर्म है तो इस साइड आएगा कितने होगा मल्टीप्लाई फॉर्म में, यहाँ पे नीचे आ जाएगा तो गुना में आ जाएगा, ये देखिए मल्टीप्लाई फॉर्म है इस साइड आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा डिवाइड फॉर्म में, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 40, कोई दिक्कत, ये हमारा साइड उस साइड गया ये इस साइड आ गया, आप इससे कट कर सकते हैं, तो यहाँ पे कितना आ गया वैल्यू 400, तो ये x का वैल्यू कितना आ गया 400, 400 का 40% आप निकालिएगा तो कितना मिलेगा आपको 160 मिलेगा, ठीक। इसी तरह यहाँ पर एक और है कि 1260 का हम 33 गुणा 3% का प्लस 755 का 80/100, इसका हमको वैल्यू पूछ रहा है कि वैल्यू क्या होगा, तो इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हम नोट डाउन करते हैं, यहाँ पे का मतलब क्या हो गया गुना, हम क्या लिखेंगे 1260 गुना, ये है कितना 33.1/3, इसे हम क्या करेंगे सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, इसे ब्रेक कर देंगे तो 33 × 3 तो कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, और 99 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100, तो 100/3 इसे कितना लिख सकते हैं 100/3, परसेंट साइन है तो परसेंट साइन फिलहाल अभी रहने देते हैं, उसके बाद कौन सा साइन है प्लस, फिर यहाँ पर देखते हैं 755 का, तो का मतलब गुना 80%, तो 755 का मतलब गुना 80% 80/100, इसी का वैल्यू पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या करना है परसेंटेज को रिमूव करना है, और जब भी इस तरह से रहेगा तो पहले मल्टीप्लाई फॉर्म को करते हैं उसके बाद ऐड करते हैं, तो हम पहले यहाँ पे क्या करेंगे परसेंटेज को कन्वर्ट कर देंगे, तो 1260 × 100, या तो कोई दिक्कत। अब इसको नेक्स्ट करते हैं 755 × 80/100, अब देखिए यहाँ पे 100 है ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अब 3 से ये कटेगा बिल्कुल कट जाएगा, 3 × 4 = 12, 3 × 6 = 0, तो 420 यहाँ पर आ गया, इसी तरह से इसको भी हम कट कर सकते हैं, ये 0 से 0 चला गया, ये से हम कट करेंगे तो 5 से हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 से हम कट करेंगे तो 1 50 25, और फिर हमारा 1 आ जाएगा, देखिए 5 से कट करेंगे तो 5 एकम 5, 2 बचेगा शेष 25 हो जाएगा 50 25, फिर हमारा 151 मारे में कट जाएगा। अब इसे क्या करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे कितना आया 420, और इसके बाद प्लस साइन है तो प्लस साइन लिखिए, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे तो 4 × 4 = 2, 4 × 4 = 6, तो यहाँ पे 6 × 4 आ गया, दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो 404 हो गया, 022 हो गया, 64 10 हो गया, तो 1024 हमारा क्या हो गया इसका आंसर हो गया, तो इस वैल्यू को हम परसेंटेज को कन्वर्ट किए किसमें फ्रैक्शन में, और ये देखिए जब भी हम इसको सॉल्व करना रहता है तो देखिए हमारा परसेंटेज और फ्रैक्शन एक साथ हम नहीं कम कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं उसे हम सॉल्व कर सकते हैं, आप परसेंटेज को परसेंटेज का जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं ठीक, बट परसेंटेज को आप फ्रिक्शन के साथ जोड़ घटा नहीं सकते हैं, उसी तरह फ्रिक्शन को फ्रिक्शन के साथ आप जोड़ घटा सकते हैं लेकिन फ्रिक्शन को परसेंटेज के साथ जोड़ घटा नहीं सकते हैं ठीक, तो हमारा दोनों का हमारा क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, ये बाह्य फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन के साथ ही जुटेगा घटेगा, इसी तरह परसेंटेज है तो परसेंटेज को पहले फ्रिक्शन में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं 540 का 25% का इतना 1 × 2/5 / 2/3, देखिए इसे भी सॉल्व करके देखते हैं, यहां पे क्या बोल रहा है 540 का
75%। तो 75% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जब बिग परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो 100 हमारा डिवाइड हो जाएगा। क्या क्या लिख सकते हैं, 75/100। फिर हमारा क्या का, फिर कितना, ये कितना देखिए, एक पूर्णांक 2/5। इससे इसको हम पूर्णांक को तोड़ने के लिए क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर जो मल्टीप्लाई फॉर्म आ जाएगा उसको हम फिर उससे क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो 5 एकम 5 और 5 2 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7/5। यहाँ पे कितना हो गया, 7/5। इसके बाद हमारा कहा है, तो कहा यहाँ पे लिखे काम इज एट गुना, और यह है 2/3। तो हमारा इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई फॉर्म। तो मल्टीप्लाई फॉर्म में भी आप इसे लिख सकते हैं, आप यहाँ पे भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, आपको मल्टीप्लाई फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। हम जितना ज्यादा हो सके स्टेप कम लेंगे, हम इसे समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, बट इसे चाहे तो हमारा बहुत ही 30 सेकंड में से सॉल्व कर सकते हैं, वो आप डिपेंड करता है कि प्रैक्टिस कितना करते हैं आप। इससे हम इसको कट किए, ठीक है, ये हमारा 200 इसको कट कर सकते हैं, 5 इसे कट किए, तो 5 एकम 5, 2 5 25, 5 3 15, 3 से इसे कट कर दिए, हमारा कितना आ गया, 54/7। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 चौके 28, 8 2 80, 7 5 35, 2 37, 378 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से कोई भी हमारा इक्वेशन दिया रहेगा आप इजीली क्या कर सकते हैं, उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हम बेसिक आपको बताया कि आपको आइडिया लग सके कि आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करके हम इसे सॉल्व करते हैं। अब धीरे धीरे हम इसे मतलब इससे हाई लेवल में भी जाएंगे और अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी देखेंगे। देखिए इसे देखते हैं, ये क्या है, 420 का 25% - 140 का x% = 7। यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा, ठीक, इसे हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या बोले थे हम कि जब भी मल्टीप्लाई फॉर्म में रहेगा जिसको एक साथ मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, इसको एक साथ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 420 का 25% को क्या कन्वर्ट कर देंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, तो 420 25/100 - 140 x/100, इसका वैल्यू कितना है, 77 के बराबर है। तो यहाँ से हम 25 चौके 100 कट सकते हैं, इसे कट करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 21, ठीक, 2 से और कट कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा, 105, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर यदि हम इसे और सॉल्व कर सकते हैं तो 10 से 10 कट सकते हैं और 2 से काटेंगे तो 57, 2 पर 10 2 से 14, तो यहाँ पर हमारा कितना गया, 105 माइनस ये कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7x/5 = 77, ठीक। आप सबसे पहले क्या करना है कि हमको x को एक साइड लीजिए और जो डिजिट फॉर्म है उसको एक साइड, तो यहाँ पर हमारा 105 है और ये 77 है, ये दोनों हमारा नंबर फॉर्म है, इसको हम क्या करेंगे एक साइड लेंगे, तो 105 ये प्लस से किधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये इसको उस साइड ले जा रहा है, ये माइनस से उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7x/5, कोई दिक्कत। इसके बाद यहाँ पे क्या करें, इसे सॉल्व करें तो 5, यहाँ देखिए 15 में 7 कितना हो जाएगा, 8, 9 में 7 कितना होगा, 28, ठीक। तो यहाँ पे 28 टोटल मिला, 15 में 7 जाएगा 8, 9 में 7 गया 2, ये हो गया 7x/5। इसे सेम टू सेम होता है, हम नीचे लिख दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे कि x को हमको फाइंड आउट करना है, x को इसी साइड छोड़ देंगे और इसे ये हमारा क्या डिवाइड फॉर्म है, इधर आकर मल्टीप्लाई फॉर्म में हो जाएगा, और ये देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई फॉर्म है, इस साइड आकर डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा, यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ये 28 × 5 डिवाइड बाय ये नीचे जाएगा 7 7 28 4 5 20, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 20, आपका ये आंसर हो गया 20, ठीक। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 140 का 20%, तब उसे सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 77 मिलेगा, कितना मिलेगा, 77। तो इस तरह से हम इसे क्या किए, सॉल्व करेंगे। इस तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संख्या का 1/5 भाग यदि 81 हो तो 60% क्या होगा। देखिए कोई भी संख्या जो होता है ना अपने आप में 100% होता है,
कोई भी संख्या जो है अपने आप में क्या होता है 100% होता है। तो हम मान लेते कि वो संख्या 100 है, ठीक। अब कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है तो मान लेते कि वो 100 ही है, उसका 1/5 भाग कितना हो जाएगा 20। या फिर ऐसे नहीं बना सकते तो 1/5 को क्या कर दीजिए परसेंट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा 100 से मल्टीप्लाई करना होगा तो कितना में हो जाएगा 20% में। तो 20% का वैल्यू दिया हुआ 81, तो 60% का वैल्यू नहीं निकाल लीजिएगा। देखिए यहाँ पर देखते हैं इसको बताते हैं। हम बोल रहे हैं क्या बोल इसमें कि देखिए 1/5 भाग दिया हुआ, 1/5 भाग को क्या करते हैं परसेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। इससे हम कन्वर्ट किए तो कितना मिला हमें 20% हमें मिला। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 20% ही 1/5 भाग का वैल्यू कितना दिया हुआ 80 होता है, मतलब कि 20% का वैल्यू दिया हुआ तो 20% इक्वल टू दिया हुआ आपका कितना 81। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1% का वैल्यू हमारा 81/20। ये डिक्रीज हो रहा है ये भी डिक्रीज करेगा, ये घट रहा है भी घटेगा 81/20। अब इसके बाद यहाँ पे पूछ कितना 60%, तो डायरेक्ट हम 60% का वैल्यू निकाल देंगे। 60% जब 1% का वैल्यू होगा तो 60% के लिए निकालने के लिए क्या करना होगा 60 से मल्टीप्लाई करना होगा 81/20 गुण 60 3 × 3 = 24। तो 243 आपका क्या हो जाएगा 60% उस संख्या का वैल्यू हो जाएगा। उम्मीद है कि 1/5 भाग यदि 81 है तो 60% क्या होगा कितना होगा 243 होगा। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं कि बोल रहा है कि अगर किसी संख्या का 11.9% इसी में जोड़ दिया जाए तो 900 बनता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इससे पहले कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि मेरे पास 20% है, ठीक। मान लेते हैं हमारे पास 20% है, 20% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना होगा 20/100। इसे हम कट करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 1/5। यहाँ पे 20% इक्वल टू क्या है 1/5। तो जो डिनोमिनेटर में रहता ना वो ओरिजिनल वैल्यू को शो करता है, ये हमको क्या शो कर रहा है ओरिजिनल वैल्यू। एक वास्तविक मान, जो हमारे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू रहेगा वो हमारा ओरिजिनल वैल्यू को शो करता है, वास्तविक मान को शो करता है, और जो हमारा ऊपर साइड अपर में रहता है ठीक डिनोमिनेटर में वो हमारा परसेंटेज रिजल्ट को शो करता है, ठीक। किसे शो करेगा परसेंटेज रिजल्ट को। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि 20% है तो 20% का वैल्यू 1/5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ये ओरिजिनल वैल्यू है 5 है तो 5 का 20% हमारा कितना होगा 1 होगा। यहाँ पर समझिए इससे क्या कहा गया कि जो नीचे वाला है ओरिजिनल वैल्यू शो कर रहा है, ऊपर का जो वैल्यू है वो हमारा परसेंटेज रिजल्ट को शो कर रहा है। तो परसेंटेज रिजल्ट हमारा क्या है ना परसेंट है, तो 5 हमारा ओरिजिनल वैल्यू है तो ओरिजिनल वैल्यू का 20% मतलब 5 का 20% कितना होगा 1 होगा। मान लेते 30% है, 30% हमारा तो 30% को हम यदि ब्रेक करेंगे 30/100 हो गया, कितना आपको मिला 3/10। मीन दैट इसका मतलब क्या हो गया 30% हमारा हो गया 3/10। इसका मतलब हो गया कि हमारा 10 का जो 30% निकालेंगे वो कितना होगा 3 होगा। ये हमारा नीचे का जो वैल्यू हो क्या हो गया ओरिजिनल वैल्यू हो गया, और ऊपर का जो वैल्यू हो गया हमारा क्या हो गया परसेंटेज रिजल्ट हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? इस तरह आप कोई भी वैल्यू है 25% है, 25% को आप ब्रेक करेंगे तो 1/4 होगा, तो 4 का 25% निकालिएगा तो किसके बराबर होगा 1/1 के बराबर होगा। आप निकाल भी सकते हैं, देखिए 25% है ना 25/100, ठीक। यहाँ पे क्या बोल रहा है सॉरी, यहाँ पे 4 का 25% 4 का 25%, तो हमारा 4 × 25/100। इसको ब्रेक करेंगे तो हमारा 25 हो गया, 25 से 25 कटेगा कितना आएगा 1, हमारा किसके बराबर हो गया 1 के बराबर हुआ। तो वही चित्र यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं कि जो 4 है ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू है, इसका 25% हमारा किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। तो उसी तरह हमारा जो ये वैल्यू है नीचे का वैल्यू क्या ओरिजिनल वैल्यू को शो करता है, कोई परसेंटेज को आप फिक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो जो नीचे का वैल्यू है डिनोमिनेटर में जो आता है वो ओरिजिनल वैल्यू वास्तविक मान को बताता है, और जो हमारा डिनोमिनेटर में रहता है वो हमारा परसेंटेज रिजल्ट को बताता है, ठीक। तो 5 का हमारा 20% कितना हो गया 1 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत?
अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इससे यूज करके हम बताएंगे। यहाँ बोला है कि अगर किसी संख्या का 11 पूर्णांक 1/9% इसी में जोड़ दिया जाए तो 900 बनता है। ठीक, हमारा क्या कोई संख्या, उस संख्या में 11 पूर्णांक 1/9% है, ठीक, उसका वैल्यू को क्या करें, उसी में जोड़ दे रहे हैं तो 900 हमारा बन रहा है। तो हमारा वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमारा क्या है, 11 पूर्णांक 1/9% इसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते, 11 99 99 प्लस 1 100, यहाँ पे कितना हो जाएगा 100/9%। अब इसे हम तोड़ना चाहते हैं, ये हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, तो क्या करना होगा, 100/9, और जब भी परसेंटेज की रिमूव करते हैं तो हम 100 से डिवाइड करते हैं, ये हमारा कैंसिल आउट होगा, तो क्या बचेगा, 1/9, या तो कोई दिक्कत। अब यह हमारा क्या हो गया, 11 पूर्णांक 1/9% का फ्रैक्शन का वैल्यू हो गया 1/9, या तो कोई दिक्कत। अब देखिए ये जो वैल्यू क्या हो गया, ओरिजिनल वैल्यू, ये वैल्यू क्या हो गया, ओरिजिनल वैल्यू, और ये वैल्यू क्या हो गया, परसेंटेज रिजल्ट। ठीक, अब यहां पर देखते हैं, बोल रहे हैं कि अगर किसी संख्या का इतना परसेंट उसी में जोड़ देते हैं, ठीक, तो हम मान लेते हैं कि हमारा ओरिजिनल वैल्यू तो 9 है, और 9 का कितना परसेंट, ये 11 पूर्णांक 1/9%, तो 11 पूर्णांक 1/9% कितना हो गया, ये हो गया 1। तो अब संख्या में 9 हमारा है संख्या, इसमें इसका परसेंट हमारा हो गया 1, ये दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो कितना मिल रहा है हमारा, 900 मिल रहा है। मिल गया कि क्या हो गया, ये दोनों को हम ऐड करते हैं 9 और 1 को, तो हमारा कितना हो रहा है 10, ये 10 इक्वल टू क्या हो गया, 900 दिया हुआ है। ठीक, ये 10 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 900। इन्हें बोल रहा है कि ओरिजिनल संख्या जो भी हमारा संख्या, उस संख्या का 11 पूर्णांक 1/9% जोड़ते हैं तो हमारा 900 मिलता है। हम ये दोनों को जोड़े तो कितना हो गया, 900 हो गया। तो 10 का हमारा क्या हो गया, ये 900, एक हम निकाल सकते हैं वैल्यू कितना हो गया, 900/10। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है, वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या क्या है, ये ना वास्तविक संख्या ओरिजिनल वैल्यू, ये हमारा क्या वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या हमारा है तो कितना, 9 है, तो हमको 9 का वैल्यू निकालना होगा, तो 9 के वैल्यू निकालने के लिए 9 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 9 81, कितना आ गया 810, जिसका ओरिजिनल वैल्यू कितना हो जाएगा 810। तो हमारा वास्तविक संख्या क्या हो गया, 810। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो हम इसे कैसे फाइंड किए, तो पहले हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए, अब फ्रैक्शन का नीचे जो है वो हमारा डिनोमिनेटर ओरिजिनल वैल्यू वास्तविक संख्या को बताता है, और अब जो हमारा अपर साइड में है डिनोमिनेटर में वो हमारा परसेंटेज रिजल्ट को बताता है। तो ये दोनों का ऐड करने के बाद वो दिया हुआ उसका वैल्यू 900, मतलब कि 10 = क्या है 900, तो 10 = 900, तो इसका एक करेंगे तो इसको डिवाइड कर दिए, क्योंकि ये घटेगा तो ये भी घटेगा, तो घटता है तो मतलब उसको डिवाइड करना होगा, और फिर 9 का वैल्यू निकालना है तो उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वास्तविक संख्या मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या इतना बनता है। ठीक, तो बताइए कि बन जाता है, तो संख्या ज्ञात करें, हमको मेन वास्तविक संख्या यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पर कितना है 157.7, इससे 157.7% इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 750/984/735/39 ये हो जाएगा हमारा 49/984/710 यहाँ पर कितना हो जाएगा 1009 और एक हम जोड़ेंगे 1100, ये हमारा कितना हो गया 1100/7। जब आप इसको फ्रैक्शन में तोड़िएगा 750/984, देखिए 9 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है और इसमें ऐड कर देना मल्टीप्लाई फॉर्म को, तो आपको ये मिलेगा 1100/7%। इसको आप क्या कर दीजिएगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिएगा, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो 7 × 100 हमारा कट गया, कितना मिल गया 11/7। तो अब हमको देखेंगे कि 157.7% का वैल्यू कितना हो गया 11/7। ठीक,
अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर किसी संख्या में 64 जोड़ देते हैं, ठीक, ये हमारा संख्या, ये हमारा क्या वास्तविक संख्या, ये क्या है हमारा वास्तविक संख्या, अब इसमें बोल रहा है कि वास्तविक संख्या में क्या बोल रहा है 64 ऐड करने बोल रहा है कि 64 हम ऐड करते हैं तो वो कितना मिलता है 64, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो हमको इतना परसेंट वैल्यू मिलता है, हम साथ में हम यदि 64 हम इसमें देखिए इसके दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 4, ठीक, यदि हम 7 में 64 ऐड करते हैं कोई भी वास्तविक संख्या में इतना परसेंट ऐड करते हैं तो ये मिलता है, तो हमारा 7 का हमारा इतना परसेंट कितना वैल्यू हो गया, ये वैल्यू हो गया 11, या तो कोई दिक्कत नहीं, अब हम इस 7 में कितना ऐड करें कि ये मिल रहा है 4, आइए कितना बोल रहा 64, मतलब 4 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 64 के बराबर है, इस 7 को हम 4 जोड़े 11 मिल रहा है, 11 कितना परसेंट हो रहा है 7 का इतना परसेंट, तो वास्तविक संख्या में इतना परसेंट हमारा कब आ रहा है जब हम 64 ऐड कर रहे हैं, तो हमारा 4 इक्वल टू क्या हो गया 64, ठीक, हम 4 ऐड कर रहे हैं वास्तविक संख्या में, यहाँ पर वास्तविक संख्या में 64 ऐड किया तो 4 इक्वल टू 64, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 64 डिवाइड बाय 4, यहाँ से निकाल देंगे, इसके बाद हमारा क्या पूछ रहा है वास्तविक संख्या पूछ रहा है, तो वास्तविक संख्या कितना है 7, ठीक, वास्तविक संख्या कितना है 7, तो 7 है तो 7 1 का वैल्यू इतना गया, 7 का वैल्यू कितना लगा 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना लिख सकते हैं 64 डिवाइड बाई 4 इंटू 7, आप 2 से कट कीजिए, 2 से कट कीजिए कितना गया 16, आप 16 इंटू 7 कर लीजिए 7 के 2 84 7 × 7 = 11, 7 × 4 = 2 84 7 × 7 = 11, आपको जो संख्या आ गया कितना आ गया 112, हमारा ओरिजिनल संख्या कितना है 12, 112 संख्या 112 है, 112 में 64 ऐड करेंगे तो जो हमारा मिलेगा वो इतना परसेंट मिलेगा, इस तरह से हम कोई भी संख्या है इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अगर किसी संख्या का 6 पूर्णांक 2/3% इसी से घटा दिया जाए, यहाँ पे क्या बोल रहा है घटाने के लिए बोल रहा है, ठीक, तो हमारा कितना प्राप्त होता है 5670, ठीक बन जाता है, तो वास्तविक संख्या क्या करें इससे हम जैसे अभी पहले बताया हुआ पे ऐड कर रहे थे यहाँ पे क्या करें घटा रहे हैं, तो सिंपल सा है बन जाएगा ना, आप क्या कीजिए पहले अगर 6 × 2/3 को परसेंट में करना चाहिए फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना में आ जाएगा 36 × 18 = 20, 20/3 परसेंटेज को कन्वर्ट कीजिएगा तो 100, ये 20 × 100 कितना आ जाएगा आपका 1/15, तो आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए कितना हो गया 6 × 2/3 को परसेंट में कन्वर्ट किए, ये परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए तो हमारा कितना आ गया 1/15, 1/15 आ गया, आप बताएं क्या किया ओरिजिनल वैल्यू है, ये हमारा वास्तविक वैल्यू है, ये हमारा वास्तविक वैल्यू, ये हमारा रिजल्ट वैल्यू है, अब ये ना बोला यहाँ पर कि उसमें इतना परसेंट का वैल्यू जो है वो घटा रहा है, तो ओरिजिनल वैल्यू में इस वैल्यू घटा रहे हैं, इस वैल्यू घटा रहा है कितना मिल रहा 14, और ये जो वैल्यू है किसके बराबर है 5670 के बराबर, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर किसी संख्या का यहाँ पे तो वास्तविक संख्या हमारे पास 15 है, ठीक, तो उस 15 के में क्या रहा इतना परसेंट घटा रहे हैं उस संख्या का इतना परसेंट, इस संख्या का हमारा इतना परसेंट कितना है 1 है, ठीक, तो 1 हम घटा रहे हैं तो हमको 14 मिल रहा है, और वो 14 का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 5670, हमारा 14 का वैल्यू दिया हुआ है 5670, आप 1 का वैल्यू निकाल लीजिएगा, 1 का वैल्यू क्या होगा 5670 डिवाइड बाय 14, तो अब इसे कुछ किया रहा वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या हमारा डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है वो 15, हमको 15 का वैल्यू पूछ रहा है, 15 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 15, 14 से काटेंगे 14 से काटेंगे 14 × 56 = 0, 14 × 75, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा 15 × 75 = 60, यहाँ पर 60 × 75, इस तरह से ये हमारा आंसर मिल गया, ये हमारा क्या हो गया वास्तविक संख्या हो गया, तो इस टाइप का यदि क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले क्या कीजिए आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, और जो फ्रैक्शन वैल्यू है डिनोमिनेटर का वैल्यू जो है वो ओरिजिनल वैल्यू शो करता है, और इस ओरिजिनल का एक परसेंटेज वैल्यू हमारा या ऊपर में डिनोमिनेटर में शो करता है, अब इसमें ऐड कर रहा है कि माइनस कर रहा है वो डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन पे, जो भी बोल रहा है उससे आप क्या ऐड करना तो ऐड कीजिए, डिवाइड करना माइनस करने के लिए बोल रहा है तो माइनस कीजिए,
और वहां पे जिसका दिया हुआ है, अब यहाँ पे जैसे यहाँ पर ऐड करने के बाद का वैल्यू दिया था, घटाने के बाद का वैल्यू दिया था, यदि वहां पर घटाने के बाद जो भी मतलब क्वेश्चन में देगा उसे आप मेंशन कीजिए, और इस तरह से इसको यूनिटरी मेथड से हम सॉल्व कर देते हैं। इस टाइप का और भी क्वेश्चन है, आप अलग बुक में निकालिए उसे निकाल कर, और इस तरह का क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका समय जो टाइम है वो टाइम मैनेजमेंट होगा, बहुत ही कम समय लगेगा। आप जब भी अब इसमें सॉल्व किया स्टेप बाय स्टेप ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस कर कीजिएगा तो 30 सेकेंड में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इससे और भी अलग अलग टाइप का प्रश्न लेकर, परसेंटेज का ही। जय हिंद।